अभिनेत्री तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामला अभिनेता सजान खान निर्दोष बोली परिवार बिना कारण रे तंकु फसा जाइछि बोली करा जाइछि अभिजोग एक सांबादिक सम्मेलन रे सजान कर मां एवं दुई भौणी कहिछंती समाने तुनिशा को जने परिवार सदस्य भली देखुतले मात्र तुनिशा कर अनिच्छा सत्वे तंकु अभिनय पई तंक मां बाध्य करुतले बोली समाने करिछंती अभिजोग आत्महत्या परे तुनिशा कर मां बनिता अभिजोग करितले जे एहा एक आत्महत्या घटना नुहे बरंग एक हत्या धर्म परिवर्तन पई तुनिशा को सजान कर परिवार बाध्य करुथिले बोली से अभियोग करथिले शूटिंग सेट रे सजान कर व्हाट्सएप तुनिशा जांच करबा परे एहा कोनी पार्टी तुंड होइतिला एवं तुनिशा को सजान चापडा मारिथिले बोली से अभियोग करथिले सबडे सजान कर भौणी फलकनाथ कहिछंती अनेक समय रे तुनिशा एवं तांका मां सजान कर घर को आसुथिले एवं कहारी को धर्म परिवर्तन करबा पई समाने कहिनाहंती बोली कहिथिले जनवरी 4 रे तुनिशा कर जन्मदिवस रे तुनिशा को एक सरप्राइज देबा पई निष्पत्ति निया जाइथिला बोली कहिछंती नाच तुनिशा को हिजाब पिंधिबा सहित दरगाह जीवाई कही कही नथिले तुनिशा एक हिजाब पिंधिथिबार वीडियो वायरल प्रसंग रे सजान कर अन्य जने बांधवी अन्य जने भौणी कहिछंती जे तुनिशा हिजाब पिंधि नथिले बरं एक हेडस्क्राफ पिंधिथिले गत डिसेंबर 24 तारीख रे तुनिशा आत्महत्या करबा परे 25 तारीख रे गिरफ होइथिले सजान इसकी जो घटना हुई है जहां पे एक संदेह ऐसा फैलाया गया है कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ पिछले 15 मिनट में तुनिशा और शिजान एक दूसरे से काफी दूर थे शिजान अपना शूट कर रहा था और तुनिशा अपने रूम में थी उस समय शिजान से उसकी बात नहीं हुई है उसकी बात किसी और से हुई है जो पुलिस अपनी जांच कर रही है जहां तक तुनिशा का ये सुसाइड का प्रकरण है उसमें शिजान या उसके पूरे परिवार का दूर दूर तक ना तो कोई लेना है ना तो कोई देना है शिजान का और तुनिशा का 15 दिन पहले जो ब्रेकअप हुआ था वो पूरे समाज के सामने है मीडिया के सामने है पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने है मैं उससे मिली थी इनके शूट पे जब हम लोग लद्दाख गए थे मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर उसमें चाहे शिजान हो चाहे मैं हूं या मेरी मदर हूं हिजाब दरगाह ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है हमारी पर्सनल स्पेस में होता है एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी मेरे घर की वो सबसे छोटी बच्ची थी वो भले 20 साल की थी लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी वो एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है जिसने कुछ नहीं किया उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है क्या चाहती हो आप वनीता जी आप क्या चाहती हो एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले आपके टॉर्चर करके आपके प्रेशर में आके